तो भाई आपको लेफ्ट साइड पे कैमरी नज़र आ रही है, तो भाई ये पुलिस वाले की है और ये भाई मौके की तलाश पे खड़े हुए हैं। मौके के ऊपर ये मारेंगे चौका और चौका मार के भाई देंगे धोखा ड्राइवर को और धोखा दे के देंगे मुखालफा। वाह 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 वाह, क्या बात बन गई भाई। क्योंकि ये देखो आगे से चढ़ाई है, ठीक है, पीछे से जो है ना डाउन है और आगे से ग्रिड है, ग्रेड है बहुत बड़ी वाली, तो इसीलिए बंदे उधर से ओवरटेक मारते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। न्यू बंदे को, पुराने बंदे को पता है, मुझे भी पता है कि भाई इधर खड़े होते हैं, लेकिन नए बंदे को पता नहीं होता। वो भी इधर से ओवरटेक मारता है या बस वाला ओवरटेक मारता है तो भाई उसको दगा दे, वही हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेलर दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे देख लो अब आ रहे हैं, लेकिन एक तो डैने वाला, देखो डैने वाला, उसने ओवरटेक नहीं लगाई। क्यों? उसको पता है कि भाई आगे जो डाउन है ना, डाउन के विच ही बंदा खड़ा है। ये देखो ये भी डैने वाला नहीं मारेगा ओवरटेक, ये बस वाला जा रहा है, पुत्र तू जा, तेरी खैर नहीं आज भाई। ज़्यादातर इस रोड के ऊपर बसेस वालों को बहुत मुखालफे मिलते हैं। मेरे सामने इसी रोड के ऊपर ही बस वाला, इसी जगह के ऊपर ही उसने ओवरटेक लगाई थी। अब ये देखो ये भी ओवरटेक लगा के जा रहा है और खंबा भी था इधर लाइव कैमरे वाला, तो आगे कोई भी इसको पकड़ सकता है शुरता, या फिर हो सकता है भाई इसी रिकॉर्डिंग के दौरान ही आगे बंदा इसको फाड़ ले। हाँ पुतार इधर, हाँ। तो भाई कोई पता नहीं लगता भाई, आज बहुत पुलिस है। पीछे भी मैंने कैमरा ऑन किया लेकिन कैमरा ऑन नहीं हुआ टाइम के ऊपर, दो तीन गड्डियां भी मैं अब आगे क्रॉस करके आया भाई इसकी, पुलिस वालों की। अभी चेक करो भाई, इतनी चढ़ाई नज़र नहीं आती, लेकिन भाई मीठी मीठी सी चढ़ाई है। और ट्रेलर वाले देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं, ओवरटेक कोई नहीं मारेगा यहाँ से। आगे मौके के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है पुलिस वाला, देखो भाई कितना है, बहुत लंबी लाइन है भाई। यही लाइनें तो मैं उस टाइम ले पिछले व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा होगा, इतनी लंबी लाइनें मैं भी क्रॉस करके आया था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गई है यार। तो भाई यहाँ पे मस्जिद मीकात है ये वाली, आई थिंक बोर्ड यहाँ पे ही नज़र आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मस्जिद मीकात इधर ही है, इधर है या थोड़ी आगे होगी ब्रिज से ऊपर, मेरे ख्याल से लेफ्ट चले जाओ तकरीबन। मस्जिद मीकात जो ताइफ वाले जाएंगे ना, या रियाज वाले आएंगे ताइफ के रोड से, या दम्माम वाले आएंगे, तो भाई ताइफ में ही वो अहराम बांधेंगे, नहीं तो फिर वो उनका मस्जिद आयशा के ऊपर अहराम नहीं होगा, जो मक्का के अंदर मीकात वाली मस्जिद है। बहरहाल हम भाई अभी ये वाला रोड, बस इस ब्रिज के बाद हम ये डबल ट्रैक वाला रोड ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे थ्री ट्रैक वाला रोड आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लाइनें चेक करो बस आप, लाइनें आपको नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड पे। तो भाई आज ये जो लाइनें बनी हुई है ना, ये जो आखिरी वाला बंदा होगा ना, वो रात को ही पहुंचेगा, जो यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा है ट्रेलर वाला। हाँ जी, तो भाई तीन ट्रैक शुरू हो गए हैं और आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लाइनें चेक करो, कितनी लंबी लाइनें हैं भाई। ओ अमन तुर्क वाला जा रहा है अभी दूसरी साइड पे, देखो अमन तुर्क वाला यहाँ पे लास्ट वाला डैने वाला भाई है हमारा। हाँ उस्ताद, फंसे हुए हैं भाई, ये भी दो चार मिनट के बाद ही ओवरटेक मारेगा, क्योंकि उसने अमन तुर्क को देख लिया है ना। तो भाई इस तरह आगे और एक डाउन बहुत बड़ी आ रही है, मिट्टी मिट्टी सी डाउन, उधर भी ट्रेलर की लाइनें होंगी। चलो लाइनें आपने बहुत देख ली हैं। तो भाई ये स्केल के अंदर जा रहे हैं, ये वाले ट्रेलर सारे स्केल में जाएंगे और इनका बहुत लंबा सा चक्कर बन जाता है इनको फिर इसी रोड के ऊपर आने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी वो बड़ा सा इनको बल्ला मारना पड़ता है भाई,
बल्ला बोलूँ क्या बोलूँ यार, आप बोल दो क्या बोलूँ। ये देखो मदखल शहनात अजबारी। तो भाई ये स्केल के अंदर जा रहे हैं ट्रेलर वाले, एक दिन स्केल के अंदर ही दो ट्रेलर आपस में उन्होंने एक दूसरे की चुम्मी ली हुई थी, पता नहीं पीछे वाले की ब्रेक नहीं लगी क्या सीन था। तो भाई अब ये देखो ये ट्रेलर जा रहे हैं ना, ये सामने वाला राइट साइड पे, ये अब अंदर से वो बड़ा 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 वो यू टर्न मार के आएगा, फिर इस रोड के ऊपर चढ़ेगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे चढ़ेगा। लेकिन भाई इस साइड के ऊपर आप देखो लाइनें। अमन तुर्क वाले भाई भी खड़े हुए हैं, अमन तुर्क वाले भाई। ये देखो टहने मैंने सारे लाइन पे आ रहे हैं भाई, सब लाइन पे आएंगे, सब फड़े जाएंगे। तो देखो सूरज सामने है और ये भाई वाइड लोड। अब देखो मैं इसके पीछे कैसे रुका रहा हूँ यार, हैं रिस्क कैसे आराम होगा, बंदा 30 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये चेक करो ये वाला रोड देख रहे हो, यहाँ से ट्रेलर घूम के वो उधर से ऐसे घूम के आएंगे, फिर आप भी दूसरी साइड पे लाइनें चेक करो फिलहाल, ठीक है। तो भाई इस जगह से जहाँ से अभी मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रेलर वाले आके निकलते हैं, ठीक है। मैंने टाइम लैप्स में बनाया है ना, वो एंड में जो है ना वो मैं जगह बनाना भूल गया, वो उस जगह की रिकॉर्डिंग करना। लेकिन भाई लाइनें आपने देखी हैं, वाह 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 वाह, लाइनें बहुत ही बड़ी हैं भाई, बहुत ही बड़ी लाइनें। वही पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हमने फुल वो लाइनों के अंदर फंसे हुए थे ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। ये देखो यहाँ से ही लाइनें स्टार्ट थी, अब इतनी नहीं है लाइनें, उस टाइम पता नहीं क्यों ज़्यादा थी, मैं आ रहा था इसीलिए शायद। अब उन्होंने एक ट्रैक खोला हुआ बंद किया हुआ है, बाकी दो ट्रैक खोले हुए हैं, उस टाइम एक ट्रैक खुला हुआ था इसलिए शायद लाइनें ज़्यादा थी। चलो बहरहाल हम तो अब जा रहे हैं। बिग वाला लोड भाई, इसके अगर ब्लेड के ऊपर खुदा ना खासा किसी की भी थोड़ी सी टक्कर लग जाए तो भाई ये तो कप टुक कर देगा सब कुछ। तो भाई ये हम अभी सेल कबीर से निकल आए हैं और ये जो जा रहे हैं ना सारे ट्रेलर, तो भाई ये अभी ममनू टाइम है, ये मक्का से नहीं इंटर हो सकते। तो ये जगह जो है ना ये वाला है नॉन मुस्लिम रोड, ठीक है ना, तरीक गैर मुस्लिमीन, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। जद्दा से भी इधर हम जा सकते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा वो जमूम से होता हुआ फिर वो हदा हदा से फिर हम मक्का जद्दा हाईवे के ऊपर चढ़ेंगे, मक्का जद्दा हाईवे के ऊपर। अभी देखो इधर से कोई ट्रेलर नहीं जा रहा, अमन तुर्क वाला भी ये नीचे खड़ा हुआ है, ये देखो। तो ये जो भी ट्रेलर इधर से जाएगा ना, तो ये जो है ना उसको मुखालफत दे देगा, ठीक है। ये रात के टाइम उधर ही खड़ेगा जहाँ से ट्रेलर जा रहे थे ना, रात के टाइम उधर खड़ेगा, लाइटें चला देगा भाई, जो भी होगा इधर से निकल जाएगा। अभी 9 बजे के बाद यहाँ से ट्रेलर जाना शुरू हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। तो आगे थोड़ी देर बाद तफ्तीश भी आ जाती है मक्का की। तो भाई मक्का तफ्तीश आ चुकी है और ये कौन से एरिया के ऊपर है अभी दिखाता हूँ। सबूहा के मकाम के ऊपर भाई ये जो है ना तफ्तीश है और इसका भी ट्रेलर वाला ट्रैक जो है ना इन्होंने बंद किया हुआ है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलर बहुत ही चलते हैं ना, इसीलिए भाई नीचे बैठ गई है। पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है, पुलिस वाला। इसको भाई TGI वालों ने पकड़ा हुआ है, मुआसलात वालों ने, मुआस
मसलात वाले भी मुखालफा देंगे मना हबीबी को। तो भाई ये जो शेड नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे भाई हज वाली जो बकरियां शकरियां होती हैं ना, यहाँ पे खड़ी होती हैं और यहाँ पे जो है ना उसको ज़िबा किया जाता है ये वाले इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये मीना, ठीक है, खैमे यहाँ पे हाजी स्टे करते हैं और दूसरी साइड पे मुजदलफा आ जाएगा इस ब्रिज के बाद। इस एरिया क्या के चले जाओ फिर अरफात का एरिया आ जाता है। ठीक हो गया, ये देखो ना ये वाला जो रोड आ रहा है ना, ये वाला रेड कलर वाला, ये अरफात का है। ठीक है, हाँ जी, अरफात से हाजी जब मीना में आते हैं ना तो फिर इधर मीना में आ जाते हैं। हाँ जी, और ये जो है ना सऊदी अरेबिया रेलवे है, ये मुजदलफा से लेके आते हैं हाजियों को अरफात की तरफ या मीना से अरफात की तरफ लेके आते हैं। ये स्टेशन है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन, ये उसकी ब्रिज जा रही है उधर उस एरिया में अंदर मुजदलफा में, मुजदलफा से फिर अरफात सारे हाजियों को ये लेके आती है। हाँ, ये मुजदलफा है, मैं पीछे आपको दिखाना वो अरफात दिखा रहा था लेकिन ये मुजदलफा है, ठीक है ना, ये वाला एरिया है। देखो ये पार्किंग मुजदलफा की ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जाओ भी मुजदलफा हो गया, वहाँ पे अरफात थी और मीना जहाँ पे खैमे लगे हुए थे वो मीना थी। इस एरिया पे सारी बसेज आके रुकते हैं, ठीक है, जो हुजाज को लेके आती है ना यहाँ पर ही रुकती हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है, अभी बहुत बड़ी पार्किंग है। भाई लोग मक्का में पहुंच चुके हैं और भाई मक्का में तो पहले ही पहुंच चुके थे, अब मक्का क्रॉस करके अल जायदी एरिया है। भाई मैं रत्ता रत्ता नज़र आ रहा हूँ, हैं केबन की लाइट चल रही है इसीलिए, तो अब सही है, अब सही है। तो भाई मक्का में पहुंच चुके हैं, बल्कि अल जायदी में पहुंच चुके हैं और इधर नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, मैंने गाड़ी रोक दी है और नमाज़ पढ़ के भी इधर से निकलेंगे जद्दा के लिए। और लाइक शेयर ठोक दो, हैं हाँ जी, मिलते हैं आपको आगे, आ जाओ। मच लेटर।
तो भैया हम आ चुके हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, जिद्दा में पहुंच चुके हैं और मैंने देखा है भाई डीजल बैलेंस खड़ा हुआ है, बैलेंस खड़ा हुआ था, इसीलिए भाई मैं बोला भाई अभी अभी जल्दी जल्दी डलवा दो, सुबह फिर मदीने मैंने ही जाना है तो इसीलिए फिर सुबह फिर टेंशन होगी। वैसे आधी टैंकी खड़ी है मेरे पास और ये देखो ना 299 रियाल भाई, ठीक है फिलहाल आधी टैंकी है पड़ी है हमारे पास, लेकिन भी सुबह डलवाएंगे, आजकल थोड़ा डीजल थोड़ा लेट मिलता है इसीलिए भाई डीजल अभी फुल करा लेंगे, फिर मदीना में ही हमें ज़रूरत पड़ेगी डीजल की इंशाल्लाह। यहाँ पे डीजल का रेट है 1.15 हाँ, जद्दा है ना जद्दा जद्दा। डीजल 84 रियाल का आया 73 लीटर, टैंकी फुल। सुबह हम करेंगे चुल चुल, ठीक है हाँ जी। फाइव एट फोर ज़ीरो। चलो भाई निकलो इधर से, थैंक यू भाई। तो भैया अब टैंकी फुल है, अब नो वाली टेंशन है हमारे पास। तो भाई लोग हम कंपनी अकोमोडेशन में पहुंच चुके हैं और भाई बहुत थके हुए हैं, सुबह मदीने का भी प्लान आ चुका है, सुबह मदीने जाएंगे इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको मदीना मिलते हैं और भाई इस सीरीज़ को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। सीरीज़ अच्छी लगी तो भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाकी भाई व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ई मेल आई डी, टिकटॉक, फेसबुक पेज का लिंक, सारा कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, लाजमी जाके फॉलो मालो शालो कालो ठोक दो भाई। हाँ जी बाकी मिलते हैं भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी सीरीज़ में, अच्छी सी एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत सारे ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।